इन्फिनिक्स होडेस्ट 3X 573। मैं इसका करने वाला हूँ अभी असेंबल, ठीक है। तो मैं इसको आपको फुल खोलने का प्रोसेस बताऊंगा और मैं इसका सब पार्ट्स जो है अलग अलग रखकर आपको दिखाऊंगा कौन पार्ट्स क्या है, ठीक है। देखिए ये जो मॉडल है, मैं इसको आपको ओपन, इसका जो फोल्ड है अभी इसका डिस्प्ले वाइड है, देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको खोल के असेंबल करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है अभी एग्जिट टूल को लीजिए, सिम एजेक्ट टूल को, और सिम ट्रे को आप निकाल लीजिए। मैं सिम ट्रे को खोल के अलग से रखता हूँ। इसके बाद आप तीनों सामान को इसको रेडी कर जाए। ये जो है आपका T4 स्क्रू ड्राइवर है, T4, ये आपका ट्वीजर है चिमटा, और आपका ओपनर FPC ओपनर, ये तीनों को मैं रेडी कर लीजिए। सबसे पहले इस ये जो ओपन होता है, देख लीजिए पोस है, ये साइड से आप इसको यहाँ से खोल पाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अभी जो मैं इसको पहले मैं थोड़ा इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, मैंने इसका फ्लैश ऑन कर दिया जैसे आपको अच्छा दिखे, ठीक है। मैंने इसका IMEI को बंद कर दिया क्योंकि कस्टमर का मोबाइल है तो मैं दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए। देखिए खोलने के बाद देखिए धीरे से खोलिएगा क्योंकि इसका फिंगरप्रिंट जॉइन रहता है, वो टूट सकता है, ठीक है। देखिए अलग हो गया, देखिए है यहाँ पे जॉइन रहता है, तो इसको धीरे से खोलिए ना तो फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है वो काट सकता है। तो सिक्योर करके आप कीजिए, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। मैं इसका सिम ट्रे इसका ओपन रख देता हूँ, ये जो है, ठीक है। मैं इसको ऐसे साइड में रख देता हूँ और मैं इसको खोल देता हूँ। मैं इसका सॉकेट प्रोसेस भी छोड़ने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा इसका प्रोसेस जो है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले अपलोड होने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये जो हमारा चैनल है चेंज यू लाइफ है, इसमें आपको मोबाइल का वीडियो रिपेयर का न्यू सॉफ्टवेयर और असेंबली का मिल जाएगा। और जो मोबाइल में ज़्यादा फोल्ड आ रहा है जैसे इन्फिनिक्स का जो नोट 4 है उसमें थोड़ा डेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल पावर ऑफ हो जा रहा है, तो उसको आप खोल के बैटरी डिसकनेक्ट करके कनेक्ट करने से मोबाइल बैटरी ऑन हो जाता है। देखिए ये जो मैं खोल लिया हूँ, ये स्क्रू सील है, देखिए इसको खोल लें। देखिए ये कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले ये सब PCB कवर है, इसको आप निकाल दीजिए, ठीक है। ये सब PCB कवर मैं इसको साइड में रख देता हूँ। उसके बाद जो है मेन PCB कवर है, इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। सब धीरे से खोलिएगा, ये मेन PCB कवर है। अभी जो है PCB है और ये आपका सब PCB है, ठीक है। ये स्पीकर कनेक्शन FPC बैटरी को जो है, मैंने तो इसको पहले से खोल के रेडी करके रखा था आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे दो पत्ता रहता है, उसको आप खींचेंगे तो ये बैटरी रिमूव हो जाएगा। इसका बैटरी रिमूव का मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं डाल दूंगा, शायद वो डाला नहीं है अभी तक, उसे डाल दूंगा। ये कुछ पत्ता कुछ इस तरह से बाहर निकल के इसी रहता है, दोनों तरफ रहेगा, इस तरफ बैठो इस तरफ बैठो, ये कुछ ऐसी होके इस तरफ पर रहता है। अब जब इसको खींचेंगे ऐसी वो बाहर आता जाएगा, ठीक है, और आपका बैटरी खोल जाएगा। ये पत्ता बैटरी खोलने का प्रोसेस है, ऐसी करके अब इसको बैटरी को खोल सकते हैं। ये देखिए मेन FPC है,
ये कुछ इस तरह से खुलेगा, इसको आप ऐसे खोलिएगा। ये पीसीबी एक पीसी है, ठीक है। ये हो गया आपका नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन को धीरे से उठा के घुसा के आप ऊपर उठा दीजिए, खुल जाएगा। ये हो गया सब पीसीबी अलग। ये हो गया आपका मेन एक पीसी, धीरे से खींचेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको चिपका देता हूँ। ये है आपका आरएफ केबल एंटेना, इसी का वजह से नेटवर्क मोबाइल में चलता है, आरएफ केबल है। ये आपका डिस्प्ले पीसी डिस्प्ले का कनेक्शन है, इसी में टच किया हुआ है टीपी का, टच का जो है इसी का साथ एक साथ ज्वाइंट है। ये आपका मेन एक पीसी जो सब पीसी के साथ ज्वाइंट होता है। ये आपका स्पीकर कनेक्शन, जो स्पीकर इसमें है वो इसमें कनेक्ट होता है, इसी स्पीकर कनेक्शन है। और मैं आपको ये वाइब्रेटर है, एक कैमरा है बैक कैमरा। ये आपका हो गया फ़ोन कैमरा, ये हो गया आपका फ़ोन कैमरा, ठीक है। असेंबल हो गया। ये जो है माइक का है, आवाज़ क्लीन करने के लिए रबर है, माइक रबर। ये आपका हो गया साइड की, जो वॉल्यूम की है ये इसमें से। इसको अगर सब मेन पीसी को अगर खोलना चाहते हैं, दो टो स्क्रू रहेगा, ये दो टो स्क्रू आप खोल दीजिए। उसके बाद आपको मेन पीसी भी जो है बाहर निकल के आ जाएगा, कुछ इस तरह से देख लीजिए। ये जो है भाई बेटर है, इसको इस तरह से खोल दीजिए। ये हो गया आपका फुल असेंबल। ये आपका एयर स्पीकर है, ये आपका सेंसर है, ये देखिए सेंसर, ये सेंसर है। ये आपका फ्लैश ट्रे, इस फ्लैश का जो काम करता है, ये फ्लैश ट्रे है। और ये आपका हो गया मोबाइल रेडी, फुल असेंबल। ये देखिए, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिट कर देता हूँ। फिटिंग सब जैसे खोलिए वैसी सेम टू सेम प्रोसेस में आप इसको लॉक कीजिए मोबाइल को, सेम प्रोसेस, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको ऐसी चिपका देता है, इसका ऐसी हो गया। इसको मैं इसका घुसा देता हूँ, लेके घुस गया, लॉक कर देता हूँ। इसके बाद जो है फ़ोन कैमरा, मैं इसको ऐसे असेंबल कर देता हूँ। बैक कैमरा जो ऐसे इसको बैठा के ठीक से एक पीसी का जगह ठीक से कनेक्ट कीजिए, कनेक्ट करके आप टाइट कर दीजिए, इसको टाइट कर दीजिए, बैठ जाएगा। ये जो है इसका वाइब्रेटर को यहाँ गाम है तो चिपक जाएगा, ठीक है। फिर ये जो ए पी सी है, मैं पहले खोला था तो ये थोड़ा साइड हो गया। मैं इसको ये जो है पावर स्विच में चिपकाया हुआ था, ये हो गया। तो मैं इसमें अभी नट लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको चिपका दिया, और कुछ नहीं है। तो मैं इसका सब पीसी भी इसको बैठा देता हूँ, सब पीसी भी देखिए। इसी में आपका चार्जिंग पोर्ट, माइक, ये आपका माइक है, चार्जिंग पोर्ट, माइक, ये आपका नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। माइक का रबर देखिए यहाँ है, ये आवाज़ उल्टा होके यहाँ से नीचे से आता है आपका, जैसे आपका आवाज़ क्लियर आए। ये बैट, ये मेन पीसीबी कवर है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अरे सब पीसीबी कवर, इसको भी मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ। स्क्रू आ गया, इसलिए वैसे नहीं हो रहा। इसको बैठा देता हूँ, देखिए लॉक हो गया, जोर से दबा दीजिए। उसके बाद इसको आप स्क्रू से बंद कर दीजिए।
बैठ गया कनेक्शन है, मैं इसको बैठा देता हूँ। इसका नेटवर्क कनेक्शन रह गया है, सॉरी मैं इसको लगाने भूल गया, तो मैं इसको लगा देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया। देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था गलती से, तो मैं इसको लगा देता हूँ। देखिए इसका टेप है यहाँ पे, टेप को लगा के इसको दबा दीजिए, बैठ गया। ठीक है, इसको खोलना पड़ेगा एक बार। गलत लगा दिया था उल्टा, ये देखिए कुछ ये हो गया फिट। अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ। हो गया है, तो मैं इसको भी फिटिंग कर देता हूँ। दो स्क्रू जो नीचे नीचे चला गया था, सो ये लगेगा। नहीं, कोई स्क्रू चेंज हो गया। अच्छा, इसको यहाँ लगे, ठीक तो हो गया असेंबल। मैं आपको खोलना लगाने का प्रोसेस दिखा दिया। बैटरी को मैंने इसका गाम को उठा दिया, तो यहाँ पे गाम चिपका दीजिए, नहीं तो निकलने का चांसेस। तो मैं यहाँ पे इसको गाम लगा देता हूँ, ठीक है। एक डबल टेप मिलता है, एक डबल गाम टेप है ये आपका, जो होता है दोनों तरफ ही गाम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये काम कुछ इस तरह से होता है। तो मैं इसको यहाँ चिपका देता हूँ, और ये मैं यहाँ चिपका देता हूँ, ठीक। तो एक काम को जब आप चिपकाएंगे इसको ऐसे करके खींचने से, दिखाई देगा आपको। देखिए मैं आपको दिखा, तो ये दोनों तरफ का टेप है, इसे डबल टेप बोलते हैं।
ये दोनों तरफ भी गाम होता है, तो चिपका देने के बाद एक तरफ से निकलने एक चिपक गया है। इसके बाद इसको बेटी को बैठा दीजिए, क्योंकि बेटी हाथ से जब गिरेंगे फूलने का चांस रहता है, पत्ता काटने का हिलता रहता है, क्योंकि ये तो एग्जिट है ना, कुछ नहीं होगा। अभी इसको फिंगरप्रिंट को अब यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, तो देखिए फिंगरप्रिंट का कनेक्शन, इसको अब यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। देखिए ज्वाइन हो गया है, तो मैं इसको अभी यहाँ पे इसको ऐसी करके बैठा देता हूँ। चारों तरफ दबा दीजिए, देखिए जहाँ ढीला है वो दब जाए। उसके बाद इसको आप लगा दीजिए, हो गया फुल असेंबल। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले अपलोड होने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। थैंक यू।